फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को, ब्लूटूथ में जो कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लूटूथ में कई बार जो है कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ये ब्लूटूथ MIDI सर्विस का, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज पे टैप करना है, यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लूटूथ MIDI सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको जो है ऊपर आना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर भी आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है, यहां पर भी आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।